बहुत अंधी अंधी भरी गूंगी थी, लेकिन अभी मेरे को पसंद करेगा ना, मैं ज़रूर कांग्रेस के लिए मैं हाथ अपनी बलि भी दे दूंगी, बस कांग्रेस के लिए, बस कांग्रेस के लिए। और पुराना कंपनी ब्रिटिश के बाद कौन था, कांग्रेस था, ब्रिटिश के बाद कौन था, कांग्रेस था, बस वो कंपनी लाऊंगी। सिर्फ वो गरीबी का जो हो रहा ना, गरीबी का मजाक, खाना नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, राशन महंगा कर दिया, और कोरोना में पेशेंट बचे ले, 2 साल मस्जिद बंद, 2 साल दरगाह बंद, और लॉकडाउन गिराया, और वो मास में लोग करोड़ों रुपये कमा लिए, और ऊपर से जाके राहुल गांधी को जाके सब ख़त्म कराऊंगी। मेरा चीज़ है इष्टो घासलेट, गरीबी हटाओ देश बचाओ, एवीएम हटाओ देश बचाओ, एवीएम हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मेरा ये ख्वाहिश है, बस यही ख्वाहिश रहेगी मेरी। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं हूँ जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में QR कोड दिया हमारे चैनल की सहायता करने के लिए, QR कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हमारे साथ हमीदा मैडम है जो महंगाई पर चर्चा करने वाली है। जिस तरह से जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवाय ने कहा है कि भाजपा जो भाई भाई को धर्म जात के नाम पर लड़वा रही है, लेकिन जो महंगाई है उसको नियंत्रण में नहीं ला रही है। पूरे देश में महंगाई को लेकर आम जनता परेशान है, जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ चुका है, और महंगाई को लेकर गरीब परिवार बहुत ही परेशान है। रसोई के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, दाल तेल चावल ये सब महंगा होते जा रहा है, और गरीबों के पास रोज़गार नहीं है, तो किस तरह से गरीब अपना परिवार चलाएंगे और किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। तो आइए हम बात करते हैं हमीदा मैडम से। हो जाए या पार हो जाए, अंदर हो जाए या बाहर हो जाए, लेकिन मेरे को ना सिर्फ अल्लाह का डर है, बाकी किसी से डर नहीं है। और राहुल गांधी गोड फोदर है, राहुल गांधी गोड फोदर है, प्रियंका गांधी गोड फोदर है। मैं कांग्रेस को लाऊंगी, 20 साल अपना 130 साल की पुरानी कंपनी वही लाऊंगी। कांग्रेस से बहुत प्यार करती हूँ, कांग्रेस को मैं कितना भी कोई गिराएगा, कोई ऐसा धमकी देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, देश के गरीबों के साथ में मैं हूँ और कांग्रेस साथ में मैं हूँ। महंगाई का क्या है, सब भाव कम करूंगी, लेकिन मोदी हटाओ देश बचाओ। कांग्रेस से आप प्यार करती क्यों करती, और पहले करती? पहले देश का क्या मतलब, महंगाई का क्या मतलब भाव था, और अभी क्या भाव ना, बोल रही ना मैं, महंगाई हटाओ देश बचाओ, महंगाई हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, एवीएम हटाओ देश बचाओ, एवीएम हटाओ देश बचाओ। और मैं ये कहना चाहती कि राहुल के पीछे क्यों बढ़ता घड़ी घड़ी हाथ धो के, हाँ ट्रेन बिका दिया, वो बिका दिया, एयरपोर्ट बिका दिया, उसके बाद तेरे कलेजे को ठंडा नहीं हुआ मोदी, हाँ तू सोच सके कांग्रेस जाएंगी, कांग्रेस कभी जाने नहीं दूंगी, और कांग्रेस के पीछे मैं हूँ, कांग्रेस को मैं लाऊंगी और मैं ला के खड़ा करूंगी। ये हमीदापा का भैया नहीं है, और महंगाई है ना उसके बारे में खास करके बोलूँगी, अंदर हो जाओ या बाहर हो जाओ, आर हो जाओ या पार हो जाओ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाटला है ना 360 था, 460 था, उसको तू आसमान में चढ़ा दिया, कोई खाना नहीं, कोई जीना नहीं, सिर्फ मरो सिर्फ मरो, वैसा चलने नहीं दूंगी मैं। और 60 रुपया है ना अपना ये तेल है, मीठा तेल 60 बोलो, 50 बोलो, 45 बोलो, और चावल 30 रुपया, दाल 30 रुपया, साबुन 20 रुपया, डिटॉल 20 रुपया, शक्कर 20 रुपया, और है ना घास रिस्टो और ये सब छोड़ के, और बाहर वाले का 70 करोड़ और 12,000 का कर्जा माफ़ किया, और उसको पीछे भी जाके राहुल राहुल बोल के उसके पीछे जा रहा, हाँ और तुम्हारे देश को मैं निकाल के फेंकूंगी। देश है ना तेरे को बख्शेगा नहीं, एक देश है ना कभी देश से प्यार नहीं करेगा, ना तुम मुसलमान से प्यार किए ना देश से प्यार किए, देश से नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ मुसलमान के लिए भी नफरत है, देश से भी नफरत है, क्या करके बोलना बोलो। और कोर्ट है चुपचाप है, कोर्ट कुछ नहीं काम कर रही है, अभी यूपी में इतना दंगा हो रहा है उसको कोर्ट आवाज़ नहीं कर रही, घर तोड़े जा रहे हैं उसको कोर्ट आवाज़ नहीं कर रही, चाइना घुस गया उसका आवाज़ नहीं कर रही, महंगाई हो गया उसका आवाज़ नहीं कर रही, और घूम फिर कर तुम लोग कांग्रेस से निशाना बन रहे, कांग्रेस इतना खा गया, कांग्रेस खाया नहीं है, कांग्रेस का वो संपत्ति था तुम लोग खाए, तुम लोग खाए, भाजपा लोग खाए, भाजपा ट्रेन भी खा दिया, हाँ एयरपोर्ट भी खा दिया, प्लेटफॉर्म भी खा दिया, और ऊपर से कांग्रेस को बदनाम कर रहा, संबित पत्र बुरा बुरा जहर निकाल रहा कांग्रेस के लिए, मैं चलने नहीं दूंगी।
और एवीएम हटाओ देश बचाओ, एवीएम हटाओ देश बचाओ। उठे बैठे राहुल पे निशाना कर रहा, तुमने ट्रेन बेचा, देश बेचा, प्लेटफॉर्म बेचा, 70 करोड़ 12 हज़ार इतना घोटाला करके। हाँ, झूठा झूठा बोल रहे सुब्रमण्यम ऐसा क्या, सब उसके पीछे पड़ गए। अब कांग्रेस आएंगी तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। कांग्रेस आ रहे, तुम क्या कांग्रेस को ख़त्म कर, कांग्रेस को मैं ख़त्म होने नहीं देगी, तुमको ख़त्म करेगी मैं। हाँ, झूठे इल्ज़ाम डाल रहे, पूरा देश बिगा के खा लिया, कितने लोग को सड़क पर ला के छोड़ दिया, कितने लोग कोरोना में मार के छोड़ दिया, गंगा में, गंगा जल में इधर उधर बेचारे परेशान हो गए। 2 साल मस्जिद बंद, 2 साल दरगाह बंद, और उसके ऊपर से महंगाई ला के डाल रहा। हाँ, सबसे बदला रहा, देश से बदला ले रहा। मोदी तेरा कुछ चलने वाला नहीं, ना मैं चलने को दूंगी। सिर्फ मैं राहुल से प्यार करती, कांग्रेस से प्यार करती, और पुराना जो भाव है ना वही लाके छोड़ूंगी अभी बस। तुम कुछ भी कर लो, उस पर कितना भी इल्ज़ाम डालो, समित पत्रा बोल, वो बोल, ये बोल, वो चलने को नहीं दूंगी। ये झूठा झूठा इल्ज़ाम है, एकदम झूठा है। ट्रेन बेच के खा के, एयरपोर्ट बेच के खा के, 70 करोड़ का घोटाला करके, और विजय माल्या सब बाहर कौन चले गए, उसका भरपाई कौन भरेगा? हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का पैसा था ना। आज तुम राहुल का बेच के बिका के खा के राहुल पे बोल रहे वो हो गया ये हो गया, कुछ नहीं है। ये राहुल आएंगे बोल के तुम ये ऐसे घुमा रहे हो उसको, कभी किस में, कभी किस में, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसके मैं कांग्रेस को बचाऊंगी और ला के छोड़ूंगी देश के अंदर। कांग्रेस लाओ बस, कांग्रेस को लाना चाहती, सिर्फ कांग्रेस लागी, चाहे कुछ भी हो जाओ। ये हमीदा का अटल अटल फैसला है। मैं मोदी को पसंद नहीं करती, ना मैं योगी को पसंद करती। बस ये मोदी भाई, तुम भाजपा में रहो और मैं कांग्रेस में रहेगी। तुम भाजपा में रहो, आरएस में रहो, मैं कांग्रेस में रहेगी। कांग्रेस लाऊंगी और लाके छोड़ूंगी। इसके आगे मेरे को ऊपर वाले भी बोलेगा ना, किसी का सुनने वाली नहीं है, और मैं अपने को क्या ना फांसी भी देगा ना तो भी चलेगा। और मेरे पास तो घर वर नहीं है योगी आके तोड़ने के लिए और मोदी आके तोड़ने के लिए। मैं खुद रोड पे सोती हूँ और पड़ोस के घर में जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं ये भी बता रही, मैं ये भी बता रही, क्योंकि बहुत लोगों में सुनी हूँ कि कोई बयान दिया तो उसे घर तोड़ो, कोई किसके खिलाफ़ बोले तो उसको अंदर डालो, जेल में डालो, और ये गुजारिश है। और मैं ये बोल रही, जितने हैं ना समाचार वाले उनको सबको, रविश कुमार, अंजुम, अजीत अंजुम, भानु प्रताप, और अभी शर्मा, मोहित शर्मा, पंकज, और अपना श्रीवास्तव, और अपना आफिस अब्बास, ये सबका समाचार देख के मेरे को बोलने की ताकत आई, बोलने की ताकत आई। मैं तो मैं बहुत अंधी अंधी भरी गूंगी थी, लेकिन अभी मेरे को पसंद करेगा ना, मैं ज़रूर कांग्रेस के लिए मैं हाथ अपनी बलि भी दे दूंगी। बस कांग्रेस के लिए, बस कांग्रेस के लिए। और पुराना कंपनी ब्रिटिश के बाद कौन था? कांग्रेस था। ब्रिटिश के बाद कौन था? कांग्रेस था। बस वो कंपनी लाऊंगी, सिर्फ वो गरीबी का जो हो रहा ना, गरीबी का मजाक, खाना नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, राशन महंगा कर दिया, और कोरोना में पेशेंट बचे ले, 2 साल मस्जिद बंद, 2 साल दरगाह बंद, और लॉकडाउन गिराया, और वो मास में लोग करोड़ों रुपया कमा लिया, और ऊपर से जाके राहुल गांधी को जाके निशाना बना, राहुल ऐसा करा, राहुल वैसा किया। हाँ, फरवरी में मोदी का योगी का सुपड़ा साफ हो गया, और बस सुपड़ा साफ हो गया अखिलेश लोग का, उसका उसका सब वोट लेके जीत के वापस हमला करने के लाया, वापस मुसलमान को सूली पे चढ़ाने के लाया। बस कुछ नहीं है, ये देश से ना बदला ले रहा है, देश से बदला, सिर्फ देश से बदला, आरस आरस बोल के देश से बदला ले रहा है। बस ये बदला है, बदला की ज्वालामुखी है, और ये बदला नफरत सब ख़त्म करूँगी मैं। एवीएम को पहले हटाऊँगी और देश बचाऊँगी। देश के हर लोग से, हर इंसान से मेरे को इतनी प्यार है, इतनी प्यार है। और वो अपना वो राकेश टिकट इतना साल से आंदोलन कर रहा, उसका कोई एक्शन नहीं उठाया, गरीब को वो भरपाई भर के नहीं दिया, 800-900 किसान मर गए, और बेंगलुरु में गए तो उसके मुँह पर एसिड फेंके, उसका कोई सवाल नहीं किया, उसको कोई पूछा नहीं है। और अपना ये क्या नाम इसका, दिल्ली में गया तो उसके मुँह पे भी वो डाल दिया, ये क्या बोलते ना वो, ये सही डाल दिया, उसको कोई पूछता नहीं है। अरे मोदी योगी, तुम लोग कितने साल से करते आ रहे हैं, मैं नाम बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं लफड़ा करना नहीं चाहती हूँ, दंगा करना नहीं चाहती हूँ, सब अमन एकदम शांत, हिंदुस्तान भी बचाऊँगी, मुसलमान भी बचाऊँगी, इस गरीब के जो हिंदू मुसलमान से भाजपा छोड़ के सबकी बात करूँगी मैं, भाजपा छोड़ के मैं सबकी बात करूँगी। भाजपा से मैं कुछ लेना देना नहीं है। भाजपा किसके लिए आवाज़ कर रही है? क्या चाइना के लिए आवाज़ कर रही, या मुसलमान के लिए आवाज़ कर रही, या गरीब के लिए आवाज़ कर रही, या जनता के लिए आवाज़ कर रही? किसी की आवाज़ ही नहीं है। और सिर्फ घूम फिर के एक राहुल दिख गया, घूम फिर के एक राहुल दिख गया, घूम फिर के कांग्रेस दिख गया। कांग्रेस के सपोर्ट में मैं हूँ, और जिसको लड़ना है तुम लोग मेरे से लड़ो, मैं किसी को बख्शेगी नहीं। तुमने किसी देश को, गरीब को बख्शा नहीं है।
मजलूम देश से कोरोना से बचे ले पेशेंट लोग हैं, कितना सस्ता करना चाहिए। हाँ, दाल 30 रुपया, चावल 30 रुपया, साबुन 20 रुपया। आप पहले का दाम बता रहे, अभी दाल का, तेल का, रसोई गैस का अभी क्या दाम है? तो अभी वही भाव करने गए, वही भाव लाने गए, सब चावल 30, दाल 30, शक्कर 20, साबुन 20, डिटोल 20, सब यही करने गए। 360 में बाटला लाने गए, 460 में बाटला लाने गए, डीजल 60 में लाने गए और 60 में पेट्रोल लाने गए। ये इसके लिए मैं इसको समाजवाद पकड़ी, आज से किसी ने मेरे पसंद नहीं किया। अगर मेरे पसंद करते ना तो मैं वोट में पहला नंबर कांग्रेस में रहती थी। मैं आज क्या करूं, मैं भी गरीब हूं, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है। जैसा जैसा आपकी मांग है, जो आप पहले का दाम बता रहे, अगर कांग्रेस सरकार भी आती है तो इतना दाम करेगी जरूर करेगी। अरे मैं है ना मैं मोहब्बत वाली हूँ भाई। मोहब्बत एकदम नहीं खाएगी लेकिन बाहर जरूर देखेगी, एकदम पानी नहीं पिएगी, दूसरे को पानी पिलाएगी। मैं कराऊंगी महंगाई सब खत्म कराऊंगी। मेरा चीज है इष्टो घासलेट, गरीबी हटाओ देश बचाओ, एवीएम हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मेरा ये ख्वाहिश है, बस यही ख्वाहिश रहेगी मेरी। अभी मोदी सरकार ने पेट्रोल का दाम कम किया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मोदी है ना, वो लूटने के लिए आया, वो देश से नफरत, मुसलमान से नफरत, कांग्रेस से नफरत, मस्जिद से नफरत, और घूम फिर के यही काम के लिए आया वो। अभी इतना वो उठा के 70 को 12 हज़ार का, उससे हिसाब लो ना पहला। हाँ एक्शन कर रहा तो फिर मोदी के ऊपर क्यों नहीं एक्शन कर रहे? राहुल को बोल रहा उधारी बाकी, इधर बाकी, राहुल को पूरा बेच के खा लिया, दिल्ली बोलो, एयरपोर्ट बोलो, हाँ स्टेशन बोलो। अभी उस पर राहुल पे क्या हमला कर, राहुल पे हमला करो तो मैं तेरे पे हमला करूँगी। मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं है। मैं ये हमीद आपा है, ये हमीद आपा रहेगी बस। हमीदा आपा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमीदा आपा ने बताया कि महंगाई आसमान छू रही है और मोदी सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, दाम कम नहीं कर रही, रसोई गैस का दाम नहीं कम कर रही है। इनका मानना ऐसा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वही पुराने दाम वापस से आ जाएंगे। मैं कैमरा मैन जैदी के साथ निशान आजमी, खबर फेस टू फेस, मुंबई।